जो इस शरीर के तल पे किया हुआ जो भी काम जो होता है वो यही रह जाना है। बहुत सारे ऐसे मिसगाइड करने वाले होते हैं, आए तूने पाप किया है तुझे वो दंड मिलेगा, नरक मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। तो मैं मानती हूँ, मगर जाने अनजाने जो गलत करके गलत हुआ है तो आप जिंदगी भर उस गलती को तुम मलाल करने से अच्छा तो उस गलती को दोबारा ना दोहराओ, है ना। उस गलती के पाप को तुम अपनी सर पे गठड़ी बना के ना डोया करो, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, है ना। तो उसकी बात जो हम मर के जब भी जाएंगे, हमारा आत्मा जब भी यमराज के पास जाएंगे, जब यमराज पूछेंगे तूने ये गलती किया है तूने वो गलती किया है, तो कह देना जिस शरीर से जो गलती हुआ था उस शरीर को तो हमने वही छोड़ के आए हैं। अभी जो मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक पाक आत्मा, एक शुद्ध आत्मा बन के आई हूँ। नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगलम की। दोस्तों, आप सबको पता है मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, हाय दिन ऐसे ऐसे कॉल्स आती है, तो बहुत सारे ऐसे कॉल्स होती है जो अनवांटेड होती है। तो लोग अपना जो भी बातें हैं वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो बहुत सारे ऐसे उनसे जाने अनजाने ऐसे गलत हो जाता है, तो वो भी अपनी गलती एहसास करके तो वो मुझसे कॉल करते, कुछ जिजमान वो कहते हैं, काजल जी, मंगलमुखी जी, आज हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गया, गलती हो गया, हमारे आज से एक जानवर की हत्या हुआ है, क्या किया जाए, इसे हमारा मन कलुषित है, तो हमारा मन हमसे जवाब पूछते हैं कि तूने ये गलत काम किया है, और कुछ जिजमान का, कुछ व्यक्ति का भी ऐसे आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आती हैं, उसमें से एक चुनिंदा हुआ व्यक्ति की बात बता रही हूँ। अभी कुछ ही दिनों की बात है, एक जिजमान ने फ़ोन किया मुझे, मंगलमुखी जी आपसे मैंने एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लड़की को धोखा दिया हूँ, क्योंकि वो मेरा बहुत बड़ा गलत हुआ है, उसको धोखा देके मैंने अपने आप को दिन रात मैंने उसी सोच में डूबा हुआ रहता हूँ, आप कोई रास्ता बताइए, मंगलमुखी कहते हैं। मगर मैं उनको ये कहती हूँ, जो भी हमारा जीवन में जो होता है वो हमारी आत्मे नहीं है, वो सब विधि की लिखा है, सिर्फ यही जानते हैं, है ना। मैं उनको ये कहती, चलो सो हो गया, मगर उसी गलती को आप दोहराते रहना बहुत बड़ा पाप है। एक बार हो गया सो हो गया, आपके मन पछतावा रहा है, पश्चाताप फील कर रहा है, तो उसको गलती नहीं कहते, जाने अनजाने हो जाता है गलती हर इंसान से। मगर कोई भी गलती हो वो छोटी नहीं होती, वो बड़ी नहीं होती, उस गलती को दोबारा उसी गलती को दोहराने से वो बहुत बड़ी महापाप होती है।
क्योंकि कुछ बातें ऐसा होता है, आत्मा होता है और मन होता है ना। मन और मस्तिष्क, ये दोनों सोच विचार मिला के ही आत्मा बनता है, आत्मा कहलाता है ना। मगर आप सबको पता है, एक शरीर का भूख भी तो होती है। जो ये शरीर है ना, इसको भी तो भूख लगता है। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, ऐसे मनुष्य हैं इस पृथ्वी के अंदर, है ना, जो बहुत सारे लोगों को इस शरीर की भूख मिटाने के लिए तो बहुत कुछ प्राणियों की हत्या भी करना पड़ता है। चलो मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। देखिए, माता रानी, माँ शेरों वाली है ना, माँ शेरा वाली जो बोलते हैं, जो शहर के ऊपर वो विराज मानती है माता रानी। तो वाहन है शेर, वो शेर क्या करता है अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता ना, इसके लिए अपने शरीर की भूख कम करने के लिए उसको शिकार करना पड़ता है। मगर वो जानवर में गिनती होती है ना, वो भी जीवी है तो हम भी जीवी हैं। तो उस शेर में और हमारे लोगों में, इंसान में क्या व्यत्यास है? क्योंकि वो अच्छा बुरा और क्या सही क्या गलत ये समझ नहीं पाता है। मगर हम इंसान हैं, हम क्या सही है क्या गलत है और क्या अच्छा है और क्या बुरा है हम समझ सकते ना। तो इसीलिए तो गलत हो जाता है। मैं मानती हूँ बहुत सारे ऐसे मांसाहारी भी हैं, सस्यहारी भी हैं दुनिया में लोग, है ना। अरे यार, मैं तो मांसाहारी हूँ, मैं मांस खाता हूँ, वो तो घास घूस खाते हैं ऐसे भी कहने वाले हैं, मैंने सुनी हूँ और अपनी आंखों से देखी हूँ। मांसाहारी तो सभी होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि सस्यहारी भी आज भी हैं। मेरे पे ही ले लो उदाहरण, मैं भी एक बार मांसाहारी थी, है ना। तो कदम कदम से अपने अंदर में बदलाव लाई। मेरा आत्मा मुझे कहा, मेरा अंतरात्मा, नहीं काजल, मैं आज से और अभी से मैं मांसाहारी छोड़ दूंगी, मैं सस्यहारी में जीऊंगी और सस्यहारी बनूंगी। तो मैंने छोड़ दी, है ना। आप लोग भी एक दिन अपनी गलती की मलाल तो है ना। तो एक दिन, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप वो ना खाओ, ये ना खाओ, ये ना खाओ, वो मेरे कोई हक नहीं है, है ना। आपकी अपनी जीवन है और अपना एक जीवन की सहेली है, मतलब सहेली है, स्टाइल है जीने की, आप अपना जी लो। मगर जहाँ आपको पछताव लगे, पश्चाताप लगे, आप उस चीज़ को छोड़ देना ही बेहतर है ना। क्योंकि हमारी अपनी और अपनों के लिए हमें काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ज़्यादातर पुरुष अपनी परिवार पालने के लिए, अपनी घर, अपने परिवार से दूर होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तो काम करना पड़ता है। उस काम के जरिए जाने अनजाने अगर गलती हो गया तो
उस गलती को सुधारना जानो। सुधारना तो चाहिए, बल्कि कभी वो गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, है ना? तभी तो हम अपने मन को सुकून दिला सकते हैं, अपनी आत्मा को सुकून दिला सकते हैं। जो इस शरीर के तल पे किया हुआ जो भी काम जो होता है वो यही रह जाना है, है ना? नेचर ने हमें शरीर दिया है तो हम शरीर नेचर को ही वापस दे के जा रहे हैं ना। बहुत सारे ऐसे मिसगाइड करने वाले होते हैं, आए तूने पाप किया है तुझे वो दंड मिलेगा, नरक मिलेगा, हो मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं मानती हूँ, मगर जाने अनजाने जो गलत करके गलत हुआ है तो आप जिंदगी भर उस गलती को तुम मलाल करने से अच्छा तो उस गलती को दोबारा ना दोहराओ, है ना? उस गलती के पाप को तुम अपनी सर पे गठड़ी बना के ना डोया करो, मगर उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है हाँ मैंने गलती करा हो, तो वो सब गलती यही रह जाना है, है ना? तो कहते ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, है ना? तो उसकी बाद जो हम मर के जब भी जाएंगे, हमारा आत्मा जब भी यमराज के पास जाएंगे, जब यमराज पूछेंगे तूने ये गलती किया है तूने वो गलती किया है, तो कह देना जिस शरीर से जो गलती हुआ था उस शरीर को तो हमने वही छोड़ के आए हैं। अभी जो मैं यहाँ आया हूँ, मैं एक पाक आत्मा, एक शुद्ध आत्मा बन के आई, है ना? इसीलिए हमें, मैं ये नहीं कहती हूँ तुम जो गलती के ऊपर गलती करी जाओ, कभी कभार जाने अनजाने जो गलती होता है उस गलती को घड़ी घड़ी दोहराने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें सोच और विचार करने की क्षमता है, क्योंकि हम इंसान है ना, है ना? इसीलिए आप अपने आप को अगर परफेक्ट बनना है और अपने आप को जेंटलमैन या जेंटल लेडी बनना है तो हम अपना जो भी जो गलती हुआ है उस गलती को गठड़ी बना के ना डोया करो, बस इस शरीर के साथ वो सब गलती भी यही रह जाना है, है ना? तो इसीलिए आप अपने जीवन को खूब सारा एंजॉय कीजिए और अपने और अपनों के साथ खुश रहिएगा और सबको साथ लेके सच्चाई और अच्छाई, श्रद्धा और सबर के साथ, जितनी हो सके उतना सच्चाई और अच्छाई के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कीजिएगा। मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। नमस्कार।